इसरो ने दे डाली सबसे बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान के लैंडिंग का प्रोसेस लगभग शुरू हो चुका है। इसरो ने 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर बाई 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ चुका है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उससे चांद की सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। ऑर्बिट घटाने के लिए यान के इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया गया। अब चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन फेज शुरू हो चुका है, यानी चंद्रयान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो अब 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसमें इसरो के बेंगलुरु स्थित हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक चंद्रयान के थ्रस्टर फायर करेंगे और उसे 100x100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लाएंगे। जल्द ही चंद्रयान 100x100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और जैसे ही चंद्रयान 3 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचेगा, वैसे ही प्रपल्सन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा और इसके बाद लैंडर अपने ऑर्बिट को और छोटा करते हुए 100x30 के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। 30 किलोमीटर की ऊंचाई में आने के बाद विक्रम लैंडर धीरे धीरे डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। लैंडिंग के लिए इसरो सबसे पहले लैंडर के हॉरिजॉन्टल एंगल को धीरे धीरे वर्टिकल और उसकी स्पीड को कम करेगा। जब वो नीचे उतरना शुरू करेगा तब उसके थ्रस्टर को ऑन कर दिया जाएगा। इस वक्त उसके इंजन एक पार्टिकुलर अमाउंट में फ्यूल को जलाएंगे। 30 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक लैंडर की स्पीड कम होती चली जाएगी। इसके बाद सबसे ज़रूरी कैमरा कोस्टिंग फेज शुरू हो जाएगा। इस फेज में चंद्रयान के ऊपर लगा कैमरा चांद की सतह को दिखाएगा और उसमें लगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर और उसमें फीडेड AI वीडियो और इमेज को स्टडी करेगा और पता लगाएगा कि किस जगह लैंडिंग करना बेहतर है। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा AI को कुछ इस तरीके से डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके ट्रेन किया गया है कि यह अपना डिसीजन सही समय पर ले सकेगा। चांद की सतह से 400 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 अपने आप को स्थिर कर लेगा, फिर वहां से लैंडिंग साइट को ढूंढेगा। लैंडिंग साइट ढूंढने के बाद लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर देगा। इस फेज को फाइंड ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस समय लैंडर के अंदर लगे एल्गोरिथम पर सारा जोर रहेगा और आखिर में लैंडर चांद की सतह पर कदम रख देगा। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। लैंडर विक्रम के जो पैर हैं उसे इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलिट्री रेनफोर्स ग्रेड के मेटल से बनाया है ताकि वो 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी गिरे तो उससे होने वाले झटके को वो झेल सके। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए से कम के बजट पर बनाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की खासियत यह है कि इसके प्रपल्सन मॉड्यूल में एक पेलोड हैबिटेबल है जो पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपेलेमेट्री है और यह चांद की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्टडी करेगा। इसरो ने कहा कि पृथ्वी के सेप स्पेक्ट्रोपेलेमेट्री साइन की स्टडी करने के लिए काफ़ी खास एक्सपेरिमेंटल पेलोड है। सेप पेलोड के अलावा प्रपल्सन मॉड्यूल का मुख्य काम लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन ऑर्बिट से लैंडर के अलग होने तक ले जाना है। चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर मॉड्यूल से रंभा LP सहित मौजूद पेलोड सतह के प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी और उसके बदलावों को मापेगा। वहीं चेस्ट चंद्रा थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए है। यह साउथ पोल के पास चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टी की पूरी माप करेगा जबकि लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप को मापने और लूनर क्रस्ट के स्ट्रक्चर की जांच भी करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर मॉड्यूल से बाहर आएगा और अपने पेलोड APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा ताकि रासायनिक संरचना का पता लगाया जा सके और चंद्रमा की सतह की समझ को और बढ़ाने के लिए खनिज संरचना का अनुमान लगाया जाएगा। अब ये जो पेलेमेट्री शैडो रीजन यानी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं इसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। यहाँ सूरज की किरणें बिलियन सालों से भी नहीं पहुंचती हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पानी है और प्रज्ञान रोवर का काम पानी की खोज करना है। इसके अलावा रोवर में एडवांस AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है और रोवर के अंदर अल्फा प्रोटोन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया है। साथ में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी डाला गया है। अल्फा प्रोटोन एक्सरे अल्फा पार्टिकल को चांद की सतह पर फेंकता है जो सतह से टकराती है फिर रोवर के पास वापस आ जाती है।
जिससे रोवर को यह पता चल जाता है कि ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है। यानी प्रज्ञान रोवर का काम चांद की सतह पर कौन कौन से एलिमेंट है इसका पता लगाना है। आपको बता दें कि चांद पर ब्रेनियम, लिथियम, जिरकोनियम, नियोबियम, टेंटालम जैसे काफ़ी रेयर एलिमेंट मिल सकते हैं। इसलिए प्रज्ञान रोवर का काम है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एलिमेंट जमीन पर पड़ा हुआ है। और इसी काम के लिए प्रज्ञान रोवर में अल्फा प्रोटोन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया है। लेकिन इसके अंदर जो AI सिस्टम है वो ये कंफर्म करेगा कि हमें इन्हें ढूंढना कहाँ है। उसके बाद वो अल्फा प्रोटोन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सरे चांद की सतह पर मारेगा। दूसरी चीज़ है लेजर इन यूज ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इससे भी चांद की सतह पर लेजर मारी जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर लिथियम इतनी मात्रा में कहाँ हो सकता है, आयरन इतनी मात्रा में हो सकता है। अब प्रज्ञान रोवर का 14 दिनों का सफ़र, 14 दिन के बाद ये पूरा मिशन ख़त्म हो जाएगा। और क्या इसरो प्रज्ञान रोवर को क्रिएटर्स के अंदर उतारेगा ताकि चंद्रयान 3 पानी की खोज करके इतिहास रच सके? क्या लगता है आपको, वैसे प्रज्ञान रोवर को क्रिएटर्स के अंदर उतारना चाहिए या नहीं, ये कैसा आइडिया है? अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।